राजधानी भोपाल की मंगलवारा इलाके में मिली 1.5 साल पुरानी लाश के मामले में पुलिस ने पुरुष होने की पुष्टि कर दी है, लेकिन मृतक कहां का रहने वाला है पुलिस के हाथ इस मामले में अभी तक खाली है। वहीं पुलिस इस मामले में होटल और लॉज के रिकॉर्ड को चेक करने में जुटी है। भोपाल से मई भारत के लिए शफीक खान की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले में किसानों के हुए नुकसान और ओलावृष्टि को देखते हुए बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह ने गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम और तहसीलदार से गांव का सर्वे कराने का अनुरोध किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाएगी। भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में नवी कक्षा के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मंदसौर में कोटा रेल मंडल के पश्चिम मध्य रेलवे के शामगढ़ प्लेटफॉर्म पर मध्य प्रदेश की जीआरपी पुलिस द्वारा रेलवे सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। ये रेलवे सुरक्षा सप्ताह 7 दिनों तक रेलवे स्टेशन समेत ट्रेनों में चलाया गया। मंदसौर से मई भारत के लिए सत्यनारायण बैरागी की रिपोर्ट। जबलपुर के सिहोरा में बीते 4 जनवरी को दिनदहाड़े हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस लूटकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूट के 4.5 लाख की नकदी, एक बाइक और फायरिंग में इस्तेमाल तमंचा बरामद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा की चूक के बाद देश में चल रहे सियासी बवाल के बीच झाबुआ जिले के साथ थांदवा विधानसभा के जनप्रतिनिधि, भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए गायत्री मंदिर में यज्ञ कर महामृत्युंजय का जाप किया। झाबुआ से मई भारत के लिए भूपेंद्र भरमंडलिया की रिपोर्ट। सागर में जिले के सबसे ज्यादा लागत से निर्मित सरकारी भवनों में शुमार देवी एसडीएम कार्यालय की बिल्डिंग लोकार्पण की 5 सप्ताह के अंदर क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद बिल्डिंग के निर्माण पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सागर से मई भारत के लिए सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा की जिला रही कोरोना मुक्त मुहिम के तहत कोरोना को लेकर जन जागरूकता पुलिस फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान थाना प्रभारी ने लोगों को मास्क देकर गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। गुना से मई भारत के लिए राहुल चौरसिया की रिपोर्ट। जबलपुर में एक युवक ने युवती को बहाने से घर बुलाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही दोनों की सोशल नेटवर्किंग साइट पर दोस्ती हुई थी। जबलपुर में युवक की चाकू मारकर हत्या किया जाने के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस आरोपियों से हत्या का कारण पता लगाने में जुट गई है। भिंड पुलिस ने अवैध गांजा और चरस के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 7 किलो गांजा और 2 किलो चरस बरामद की है। भिंड से माई भारत के लिए आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट। मंदसौर में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई किसानों की फसलों को लेकर जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग को फसलों की मुआयना करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पटवारियों को फसलों के नुकसान को लेकर रिपोर्ट तैयार करने में भी निर्देश दिए हैं और किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। मंदसौर से माई भारत के लिए सत्यनारायण बैरागी की रिपोर्ट। फटाफट अंदाज में ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें माई भारत।